नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि हमने एक पूर्व खंड आप लोगों के साथ बहुत ही सूक्ष्म खंड में ये साझा किया था कि हम बहुत ही शीघ्र सूर्य एवं उसके तीन नक्षत्र के ऊपर आपसे एक चर्चा साझा करेंगे। उसी चर्चा को आज हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम, उसकी व्याख्या, आपकी ज्योतिषीय जिज्ञासाओं में किंचित मात्र भी यदि ज्ञान वृद्धि करती है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, संवाद कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकॉन दबा के नवीनतम कार्यक्रमों के लिए अपने आप को पहले से तैयार कीजिए, जिससे कि ज्योतिषीय छुपे हुए लाभों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके एवं किस माध्यम से उनसे अत्यधिक लाभ लिया जा सके। कार्यक्रम के बीच में यदि अवांछनीय ध्वनि आए तो उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहते हैं। एक बड़ी देर से व्याख्या चलती आ रही है कि नौ ग्रहों के नक्षत्र, क्या नौ ग्रहों के ये नक्षत्र हैं या इन नक्षत्रों के विंशोत्तरी दशा स्वामी ग्रह हैं। यदि इसी अंतर को हम लोग समझ लें तो इससे बहुत ही विश्लेषणात्मक पद्धति ज्योतिष में फल कथन के लिए हमारे और आप लोगों के साथ साझा हो जाएगी। सूर्य के तीन नक्षत्र या तीन नक्षत्रों के विंशोत्तरी दशा स्वामी, आज इसी के ऊपर हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य एवं उसके कारक तत्व हमने आप लोगों के साथ पहले ही साझा कर दिए, अन्य ग्रहों के कारक तत्वों में उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड किए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप सूर्य एवं उसके कारक तत्व, सन एंड इट्स सिग्निफिकेटर्स भी आप प्राप्त कर सकें। शास्त्र के अनुसार कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी एवं उत्तराषाढ़ा तीन नक्षत्रों के विंशोत्तरी दशा स्वामी सूर्य हैं, अर्थात इन तीनों ही नक्षत्रों के विंशोत्तरी दशा स्वामी सूर्य हैं। यदि जन्मकालीन समय पे चंद्रमा कृतिका में हो, उत्तरा फाल्गुनी में हो, उत्तराषाढ़ा में हो, तो जातक को प्रथम दशा सूर्य की प्राप्त होगी। किंतु तीनों के देवता बिल्कुल ही भिन्न हैं और उनके देवताओं के स्वभाव के अनुरूप ही ज्योतिषीय फल कथन में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ पहले भी इस बात को वचनबद्ध किया है कि जैसे जैसे ज्योतिष की श्रृंखलाओं को आगे बनाएंगे और अधिक गूढ़ रहस्य आप लोगों के साथ साझा करेंगे, इसी कारण से आज इस चर्चा को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। कृतिका सर्वप्रथम नक्षत्र है कृतिका। शास्त्र क्या कहता है, इसके स्वामी अग्नि देवता हैं, लेकिन इसके विंशोत्तरी दशा स्वामी सूर्य हैं। किंतु सूर्य अकेले इसके विंशोत्तरी दशा स्वामी नहीं है, अपितु उत्तरा फाल्गुनी के भी स्वामी सूर्य ही हैं एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी भी सूर्य ही हैं। अंतर क्यों उत्पन्न हुआ, कृतिका अग्नि का नक्षत्र है, इसके देवता अग्नि हैं, इसका आकार कैंची या छुरी के प्रकार का बताया गया है और इसका जो गण है वह राक्षस गण है। अब आप यहीं से इसके बारे में पूरी परिपाटी का एक पूर्व अनुमान अपने मस्तिष्क में, अपने मन में बना सकते हैं। साथी का इस नक्षत्र के भीतर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ,
अग्नि स्वामी है और ये जन्म नक्षत्र है भगवान कार्तिकेय का शास्त्र अनुसार। तो एक प्रकार से अत्यधिक ऊर्जावान है और साथ ही साथ अपने शत्रुओं पर प्रहार करने वाला भी है। यह सारी व्याख्या ज्योतिषीय फल कथन में आएगी। व्याख्या को संपूर्ण करते करते आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से नक्षत्र को देखना चाहिए और कैसे उसकी विंशोत्तरी दशाओं का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र अनुसार कृतिका मेष राशि के अंत में और वृषभ राशि के प्रारंभ में पड़ने वाला नक्षत्र है। मेष राशि के प्रारंभ में अश्वनी भरणी और अंत में जाके कृतिका पड़ता है। मेढे का स्वरूप है मेष राशि और उसके सबसे अंत में जाके नक्षत्र पड़ता है। लेकिन वृषभ राशि में यह नक्षत्र जो वृषभ है जो बैल है उसके गले में जगमगाता है हार की प्रकार से। जब आप एक वृषभ को देखेंगे एक बैल को देखेंगे और उसके गले में एक यदि देखें कि एक सुंदर सा पट्टिका बांधी हुई है जिसके ऊपर छोटे छोटे से पीतल के स्वर्ण के समय अनुसार खंड अनुसार देश काल वातावरण के अनुसार उसकी सुसज्जता के लिए सज्जता के लिए उस पर किस प्रकार की कलाकारी की हुई है तो पता लगेगा वृषभ का स्वरूप कुछ और ही निकल के आता है। अर्थात यदि मेष राशि के अंत में पड़े कृतिका वहां से फल कथन करना हो तो ये लोगों को लोगों से कहीं ना कहीं तो मेष राशि के अंत में यदि कृतिका पड़ रहा है और उसमें कोई ग्रह विद्यमान है तो एक प्रकार से वह किसी ना किसी प्रकार से कुछ वस्तुओं को काटने का प्रतीक है। लेकिन वृषभ राशि के भीतर ये पड़ रहा है तो काटने के साथ साथ सुंदरता पूर्वक प्रस्तुतिकरण का भी नक्षत्र है। अर्थात नक्षत्र की व्याख्या बहुत ही अद्भुत है। कहां विराजित है किस नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं उससे फल कथन का स्वरूप ही बदल जाएगा। कृतिका के उपरांत आए हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके विंशोत्तरी दशा स्वामी भी सूर्य हैं। जैसा कि सूर्य के नक्षत्र का एक पद अग्नि तत्व राशि में एवं तीन पद पृथ्वी तत्व राशि में पड़ते हैं इसी कारण से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक पद सिंहस्थ या सिंह राशि में पड़ेगा एवं उसके तीन पद कन्या राशि के भीतर पड़ेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के देवता अयरमा नामक सूर्य हैं। आर्य अयरमा का अर्थ ही श्रेष्ठ एवं न्यायप्रिय है। यदि ये सिंह राशि में है तो न्यायप्रियता प्रदान करने वाला है न्याय देने वाला है श्रेष्ठता के आधार पर न्याय देने वाला है। किंतु यदि ये कन्या राशि में है तो इसको न्यायप्रियता पसंद है अपने निजी रूप में। उत्तरा फाल्गुनी का स्वरूप शैया के रूप में अर्थात एक
राजशाही पलंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये सिंह राशि है और कन्या राशि है, तो सुखद अनुभूति का भी प्रतीक है। पहले खंड में वो सुखद अनुभूति जो राजसी है, राजकीय है, एवं दूसरे खंड में वो सुखद अनुभूति, अर्थात तीन पद जो कन्या राशि में पढ़ेंगे, वो सुखद अनुभूति जो बहुत ही कोमल है, इसके गण मनुष्य हैं और शास्त्र के अनुसार इसमें अर्जुन का जन्म कहा गया है। पूर्व काल में, वैदिक काल में, उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी एक संयुक्त नक्षत्र था, किंतु ऋषियों की अपनी शोध कला के कारण से इस नक्षत्र को दो भाग में विभाजित किया, जिसको पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया। पूर्व काल में, वैदिक काल में जोड़े का प्रतीक था, इसीलिए कहीं अर्जुन का जन्म पूर्व फाल्गुनी में और कहीं उत्तरा फाल्गुनी में देखने को मिलेगा, किंतु है मूलतः ये फाल्गुनी ही। आचार्य श्री कहते हैं कि फाल्गुनी या फाल्गुन खोखलेपन या थोतेपन का भी एक प्रतीक है, अर्थात फाल्गुन शब्द में हल्कापन है। तो यदि कोई ग्रह फाल्गुन नक्षत्र में विद्यमान है, भले ही वो पूर्व फाल्गुनी में हो या उत्तर फाल्गुनी में हो, अंतर क्या आएगा? यदि पूर्व फाल्गुनी में है तो पहले से कही हुई बात हल्की साबित, हल्के रूप में निकल के आएगी, एवं यदि उत्तर फाल्गुनी में है तो व्यक्ति की बात में बाद में कोई निर्णयात्मक या ठोस ना होके हल्की रहेगी। सिंह राशि के भीतर ये सिंह की पूंछ के प्रारंभ में पड़ता है। नक्षत्र कहां विद्यमान है उससे भी एक फल कथन में बहुत ही रोचक परिणाम सामने आते हैं, एवं कन्या राशि में ये नक्षत्र कन्या की नासिका पे पड़ता है, जो कि अपने आप में स्वाभिमान का प्रतीक है। इस प्रकार से हमने दो नक्षत्र कृतिका एवं उत्तर फाल्गुनी के बारे में आप लोगों से चर्चा में उसके खंड बताए। इसके उपरांत विंशोत्तरी दशा स्वामी सूर्य का तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, इसके उपरांत आए हम उत्तराषाढ़ा। देव इसका स्वरूप है, स्वामी इसके विश्वदेव हैं। विश्वदेव का अर्थ है सबका कल्याण करने वाले चतुर्भुज जी भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु। स्वरूप इसका चारपाई की तरह बताया गया है। पहले में उत्तर फाल्गुनी में शैया और इस नक्षत्र में चारपाई, दोनों में अंतर है। शैया एक राजसी वैभव प्रदान करती है, किंतु चारपाई एक आवश्यकता के लिए प्रयोग की गई है। यही दोनों के भीतर अंतर है। एक विश्राम, वैभव, विलास, सुखद अनुभूति प्रदान कर रहा है, किंतु एक आवश्यकता पूरी कर रहा है। उत्तराषाढ़ा आवश्यकता पूरी करता है। और भी यदि ध्यान से देखें तो आषाढ़
जो हिंदी के मास हैं उसमें आषाढ़ मास का आना उस ऋतु में है जिसे तपिश कहते हैं। इसी कारण उत्तराषाढ़ा का एक स्वरूप, पूर्वाषाढ़ा का एक स्वरूप, क्योंकि ये भी दोनों संयुक्त नक्षत्र ही कहे गए हैं, जिसके प्रताप को झेला ना जा सके। वर्तमान समय में आषाढ़ी चल रहा है, तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु ताप उत्पन्न कर रही है, तो इसका प्रताप ताप झेला ना जा सके, ऐसा आचार्यों का कथन है। कई स्थानों में इसके बारे में कहा कि ये दो हाथी हैं जिन्होंने अपनी सूंड नासिका ऊपर उठा रखी है, वे भी इसी प्रकार का है कि वो चिंघाड़ रहे हैं। महाभारत काल में शल्य का जन्म उत्तराषाढ़ा के भीतर कहा गया है। नक्षत्रों को समझने के लिए महाभारत का पठन कीजिए, बहुत ही रोचक जानकारियां आपको उसके भीतर प्राप्त होंगी। उत्तराषाढ़ा का एक पद धनु राशि के भीतर कहां पे, जहां धनुर्धर का कंधा है, धनु राशि का जो स्वरूप बताया है, तो कंधा वो है जो शक्ति उत्पन्न कर रहा है रोकने की, और उत्तराषाढ़ा के तीन चरण अर्थात बाकी का नक्षत्र मकर राशि के भीतर उस मकर के मुखमंडल पे पड़ रहा है। मकर में दो स्वरूप मिश्रित हैं, आगे से देखने में वो एक हिरण के माध्यम से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन पीछे से उसमें छद्म वेश मकर छुपा हुआ है। आगे से देखने में बड़ी शांत मुद्रा में है, जो अपने आखेट का, अपने शिकार का प्रतीक्षा कर रहा है। यही उत्तराषाढ़ा का स्वरूप है। पहले भाग में वो शक्ति जो कंधे के द्वारा रोकी हुई है और किसी भी समय चल सकती है, दूसरे स्वरूप में ऐसे वेश, ऐसे भेष के भीतर उत्तराषाढ़ा है, जो तो प्रतीक्षा में संलग्न है शांत चित्त से। इस प्रकार हमें ग्रहों के बारे में विचार करना चाहिए, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में विद्यमान है, उस ग्रह के भाव स्वामित्व, उस ग्रह के कारक तत्व, नक्षत्र की आकृति, स्वभाव, इन सब का सम्मिश्रण करके फल कथन की कल्पना को पूरा करना चाहिए। मेरे परम आचार्य श्री मिश्र जी, श्री जयनारायण जी ये अपनी कक्षाओं में कहा करते थे, कहते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिषीय ताने बाने को समग्र करके, एकत्रित करके प्रस्तुतिकरण की कला है। ज्योतिष कोई किसी को सिखा पढ़ा नहीं सकता है, समझा सकता है, और उसके द्वारा व्यक्ति अपनी संभावनाओं को आगे तक बढ़ा सकता है। अंत में आते हैं, विंशोत्तरी दशा का अर्थ क्या है। सूर्य के तीनों नक्षत्र जो अभी हमने बताए, इनमें यदि कोई भी ग्रह विद्यमान है इनमें यदि कोई भी ग्रह विद्यमान है और दशा उसी की चल रही है, तो जन्म पत्रिका के भीतर तुरंत सूर्य के ऊपर दृष्टिपात कीजिए,
वे जन्म पत्रिका में किस भाव के स्वामी हैं एवं किस स्थान पर विराजित हैं। आपके फल कथन में और भी अधिक नवीनता आपको प्रदान होगी। इस प्रकार हमने रविवार का जन्मफल नक्षत्र के अनुसार, सूर्य के कारक तत्व एवं सूर्य के तीनों नक्षत्रों के बारे में आप लोगों से चर्चाएं आरंभ करी। इसके उपरांत दो खंड सूर्य से संबंधित जोड़ के सूर्य की चर्चा को पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे। एक खंड सूर्य के योग, जो कि सूर्य से दूसरे स्थान में 12वें स्थान में बनने वाले ग्रहों के योग होते हैं, एवं सिंह राशि के फल, और सबसे अंत में रविवार के भीतर जो घटी फल कहा गया उस फल को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आशा है हमारे प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम, हमारे विश्लेषणात्मक खंड, हमारी चर्चा आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए सार्थक हो। यदि सार्थक लगे तो पुनः एक बार दोहराते हैं कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, संवाद कीजिए, जिससे हमें नवीनतम ऊर्जाएं प्राप्त हों। धीरे धीरे इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए खंडों के साथ साथ और भी ये साझा करेंगे कि किस प्रकार से परिहार उपाय नक्षत्रों के द्वारा, ग्रहों के द्वारा किस प्रकार से बनते हैं। परामर्श के लिए हमारे मेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेल एड्रेस इसमें जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्रणाम।